वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग के जैकपॉट मैच चालू होने वाले हैं 10:30 से। सुबह से कोई भी मैच कवर नहीं किया, सिर्फ एक अपना वो कवर किया था, अभी क्या बोलते हैं अपना आयरलैंड का मैच वर्ल्ड कप और एक आध फुटबॉल। तो अब अपकमिंग मैच सारे जैकपॉट हैं, सो डोंट मिस एनी अपकमिंग मैच। तो चलते हैं सीधा टेलीग्राम चैनल की ओर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा टीम की ओर। तो देखो, बेलारूस एंड रशिया टीम इस वक्त जो इसकी करंट फॉर्म है वो टॉप ऑन है। मतलब रशिया ने अभी लास्ट मैच में 4 गोल किए मार्च में, ठीक है, उससे पहले एक मार्च में मैच हुआ उसमें किए इन्होंने 8 गोल, और सामने खाए कितने, 0-4 से हराया, 8-0 से हराया, 1-1 से ड्रॉ किया एक मैच में 2-0 से जीते। तो रशिया इस वक्त फॉर्म में है, और जब पड़ोसी देशों का मैच होता है, जब नेबर कंट्रीज़ का मैच होता है, तो बेलारूस जैसे कि इनकी नेबर कंट्री है, तो भाई बहुत अलग राइवलरी रहती है। जबकि बेलारूस ये चाहेगी जीतना, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल। देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, मैं ये नहीं कह सकता यार इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई मुश्किल 2 गुना ज़रूर है, ठीक है, तो बेलारूस के लिए। बाकी मैं तो रशिया के साथ हूँ। तो आगे चलते हैं, तो ये मैंने कुछ इनके स्टैट्स निकाले थे। स्टैट्स तो देखो नाम के ही हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ आएगा। तो बेलारूस एंड रशिया में वी हैव टू फेवर रशिया। 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, मिनी जीएल तक भी जा सकते हो, ठीक है। सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें, तो पहला प्लेयर है एफ स्मॉलोव। इनकी टीम का सबसे, मैं कहूँगा एक उदाहरण के तौर पर, सबसे अच्छा स्ट्राइकर है। मतलब ऐसा अगर देखा जाए इनकी टीम में, कोई भी आज तक ऐसा कोई स्ट्राइकर अभी इन 2 सालों के अंदर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। लोग आते हैं गोल करके चले जाते हैं, लेकिन एक होता ना, एक रहना स्टिल, रहना एक टीम की तरफ से हमेशा गोल करना, एक ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये प्लेयर करेगा, तो वो ट्रस्ट मेरा इस पे है। मतलब मैं इसको समझ सकता हूँ कि अगर ये खेलेगा देन गोल आने की हाई संभावना है। उसके बाद सर्जियव के बाद इनका एक और प्लेयर है जो बिल्कुल नीचे दिख रहा होगा आपको, जिसका नाम है केविन। इन ये तीनों स्ट्राइकर हैं, मैं आपको एक बार नीट क्लीन दिखा देता हूँ, ये और ये, जिन पे रेड मार्क मैंने किया हुआ है, ये तीनों प्लेयर स्ट्राइकर हैं। और इन तीनों में से कोई 2 खेलेंगे, तो जो 2 खेलेंगे वो आपने लेने हैं, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद 2 हैं, एक प्लेयर, एक है एंटन मेरनचुक और एक अलेक्सी मेरनचुक। इन दोनों का नाम बिल्कुल एक है, तो मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया था, तो लोगों को गलती लग रही होगी, लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 2 बार लिख दिया, लेकिन नहीं, मैंने आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं ड्रीम इलेवन अभी ऐप खोलूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है आपने, ये दोनों को आपने लेना है। उसके बाद इनका एक प्लेयर है ओसिपेंको, ये है डिफेंडर, ये रशिया का एक डिफेंडर है जो कि ओसिपेंको, और हाईली गोल करता है। मतलब जितने भी डिफेंडर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा गोल इस अकेले लड़के के हैं। और एक है ए जखारियन, ये बंदा रशिया नहीं, वहाँ से खेलता है, ललीगा लीग स्पैनिश लीग, ठीक है, वहाँ से ये खेलता है रियल सोसाइटी टीम से, और इसने कई गोल्स भी किए हैं। पहले ये उधर नहीं था, अभी उसको 6-7 महीने हुए होंगे, ठीक है। वैसे अच्छा है, अगर आपको इसको लेने का मौका मिले देन यू कैन ट्राई हिम इन जीएल। ये मस्ट पिक नहीं है, लेकिन अच्छी पिक है, और बिग इंजरी कोई है नहीं। और विनिंग चांसेस की बात करें, बेलारूस की विनिंग चांसेस है 9%, कुछ भी नहीं होते, सारे मैच जैकपॉट हैं क्या इस बार, ये हफ्ता अच्छा जा रहा है हमारा। मतलब जितना प्रॉफिट आई थिंक 2 हफ्ते में होता है, उतना 1 हफ्ते में हो जाएगा संडे तक, इतना तो दिख रहा है। उसके बाद 91% विनिंग चांसेज है रशिया के, सो डोंट मिस अप। रशिया 91% विन कर रही है ये मैच, तो सिंगल साइड जाना है आपने। उसके बाद बेलारूस के कितने गोल आ रहे हैं आज, 0, मैं क्लियर कह रहा हूँ 0। एक आया तो पेनल्टी बेसिस पे आएगा, वो तो चलो एक, तो मतलब मैं एक नहीं कह रहा, मैं तो अभी 0 लेके चल रहा हूँ, मैं तो क्लीन शीट सोच रहा हूँ। और मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया के 3-4 गोल आने चाहिए, ठीक है, जो मैंने एनालाइज़ किया है। तो अब मैं आपको लेके चलते हैं सीधा ड्रीम इलेवन टीम की ओर। तो टीम मेरी रेडी है, और इसलिए मैं स्ट्राइकिंग से शुरू करूँ, तो इनका एक प्लेयर है बेलारूस का, जिसका नाम है दमित्री। देखिए, दमित्री एंटलवेस्की एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्लेयर है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको टीम में लेके यूं ही जीत जाओगे या ये गोल कर देगा, सो इट्स इम्पॉसिबल, वो चीज़ नहीं होने वाली। इसको टीम में ले रहे हो, ये गोल भी करेगा, आपको फ़ायदा भी नहीं उतना देगा, लेकिन इतना है कि अगर आप इसे छोड़ते हो और अगर ये गोल कर जाता है तो बहुत दुख होगा, इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती ले रहा हूँ। उसके बाद इनका एफ चेलोव करके प्लेयर है, गलती से मैंने एफ एस्मोलोव लिख दिया था यार वहाँ पर, सॉरी, मैंने अभी नोट्स चेक किया तो ये प्लेयर है गाइस, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्मॉलोव तो आई थिंक अनअवेलेबल है, चेलोव को लेना है आपने, ठीक है, एफ चेलोव है ये प्लेयर। उसके बाद सर्जियव की बात करूँ, सर्जियव बहुत अच्छा प्लेयर है। मतलब इवन सर्जियव को मैंने कितनी बार डोमेस्टिक लीग में अपना कैप्टन रखा, कितनी बार मैंने इस बंदे को अपना वाइस कैप्टन रखा रशियन लीग में, और इस बंदे ने मुझे निराशावाद नहीं होने दिया, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 3 स्ट्राइकर खेल रहे हैं, एक है केविन, एक है सर्जियव, एक चेलोव, इन तीनों में से कोई 2 खेलेंगे एंड वो आपके मेन कैप्टन ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करूँ, तो हाँ, मिरनचुक की बात चल रही थी,
यहाँ पर दो मिरनचुक है, एक है एलेक्सी मिरनचुक और एक है एंटोन मिरनचुक। लोग बोलेंगे कि भाई नाम एक होने से काम एक कैसे हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि एलेक्सी मिरनचुक एक पेनल्टी टेकर है, ठीक है, जो कि मोस्ट मिडफील्डिंग गोल अभी तक इसका नाम रशिया में आ रहा है, और एंटोन मिरनचुक जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूट रहता है, तो प्लेइंग 11 में दिखना इसका ज़रूरी नहीं है। अगर दिख जाता तो लो, नहीं दिखता तो इसकी जगह मैंने आपको जो नाम बताए थे जैसे कुजियाब हो गया, जैसे ए सखारिन हो गया, तो आप इनके साथ जा सकते हो। चेर्निकोव भी अच्छा है, मतलब अनेक प्लेयर हैं, आपको ये नहीं ज़बरदस्ती लेना है। और वाइस कैप्टन जिसको मैंने रखने को बोला था तो वो एलेक्सी मिरनचुक है, ना कि एंटोन। एंटोन मिरनचुक पहले अच्छा था, अब इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि एलेक्सी है, ठीक है। आगे बात करें एबोंग की, एम एबोंग बेलारूस का मेन वो है मिडफील्डर। बाकी कॉर्जुन तो मेरी मजबूरी है, कॉर्जुन को मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज आप ये लगा लो कि मेरे पास एक ऑप्शन नहीं बची कि मैं किसी डिफेंडर को भी ले पाऊँ, क्योंकि पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, सो मैंने यहाँ पर ज़बरदस्ती लिया। और डिफेंडिंग में आई डिवीव तो चलो मेन है ही, उसको तो आप मेरे बिना कहे भी लोगे, लेकिन ऑसी पेंको इसको मत छोड़ना भाई, ये बहुत बेन है यार। मतलब ऑसी पेंको अगर आपके गेम में है तो आई थिंक आप कहीं, आपकी गेम कहीं नहीं जाएगी, इतना मैं कह दूंगा ना। आगे बात करें गोर्शकोव की, तो यहाँ पर एक रिस्की प्लेयर चाहिए था मेरे को, एक ऐसा की प्लेयर चाहिए था, क्योंकि ऊपर से सब ने प्लेयर ले रखे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। रिस्क लेने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं, क्योंकि दो प्लेयर नीचे से खेल सकते हैं, एक गोर्शकोव और एक चेर्नोव। चेर्नोव ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये मैं लाइनअप्स का वेट कर रहा हूँ, जिसलिए मैंने अभी इन दोनों में से किसी एक को सेव करना है। और बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है पैवलिचेंको। तो पैवलिचेंको को मैंने काफ़ी बार देखा है, बेलारूस का ये एक नॉर्मल सा प्लेयर है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इनको ना कुछ नया करना चाहिए, इनको इग्ना को भेजना चाहिए। भाई इग्नाटोविच बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो ये बताएंगे कि अब इन्होंने क्या करना है, क्योंकि इनके प्रोबेबली प्लेइंग 11 के अंदर इसका नाम था, तो पता नहीं अब किसको भेजेंगे। एंड बात करें कैप्टन की, लोगों ने कैप्टन एलेक्सी को रखा है, लेकिन अच्छा रखा है, वो कर देता है गोल, लेकिन मेरा तो चेलोव रहेगा यार। चेलोव अपनी पे आ गया तो उसके लिए दो गोल कुछ नहीं है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।